welcome welcome good evening namaste assalamualaikum, alaikum wanna come. yes ritika welcome so people this is again see whatever game we play we always have fun and we always learn na? Right? same promise same promise today you'll have a lot of fun but you know what you'll also learn take okay? good evening i'm good here i'm good <laughs> i'm good how are you tell me spin the wheel to get answers of interesting what if

एंड सम्स वी गेट सो एनॉइड ना अगर भाई बहन आते हैं पूछते हैं अगर मून नहीं होता तो अगर ये ऑन अर्थ दीज क्वेश्चन आर इंटरेस्टिंग एंड समाज बिकम्स एनॉइंग ऑल्सो है ना ये ट्रू हाउ एन इफ यू अग्री इफ यू हैव असर सिस्टम है क्या पूछ रहे हो बहुत हो गया Anna? Yes. Hey. <laughs> right? Yes, people. Hey guys, I remember all of you. Right? Don't worry. You need you need not ask specially sir, yaad karte ho, jante ho kya. I know all of you because I can see some few new names also. Yes. You are the youngest one. Acha. Then you might have asked a lot of these questions. Right? So that's why. How can you participate? Use the chat. Yes. So people. होल गेम एंड फुलिस दिसज एलिमेंट बट वी कीप डूइंग दिस ऐसा नहीं है कि वी आर डूइंग दिस टूडे ओनली ये रोज करते हैं हम हम रोज मजे करते हैं रोज पढ़ाई करते हैं नंबर भी अच्छे आते हैं मस्ती भी खूब करते हैं इफ यू डोन्ट नो अबाउट दिस बिकॉज यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द फैमिली मेक श्योर यू आर अ पार्ट ऑफ द फैमिली है ना सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब रेड बटन वहां पर लाल बटन है उसको दबी दबा दो एंड उसको बगल में घंटी उसको बजा दो राइट येस यू आर द न्यूएस बच्चा मेक श्योर न्यूएस बच्चा यू सब्सक्राइब यू प्रेस द बेलाइकन एंड एवरीबडी एल्स इफ आई एम ऑडिबल इफ आई एम विजिबल जस्ट प्रेस द लाइक बटन सिंपल इतना ही करना है राइट

और जिनको देने से बहुत फायदे होते हैं एंड नाउ आई डोंट नो इफ यू हैव सीन द टॉपर्स इंटरव्यू द नीट टॉपर्स द जे रिजल्ट इज आउट है ना दे हैव दैट दिस एग्जाम हेल्प देम अ लॉट इट्स अ डिफिकल्ट एग्जाम आसान नहीं है बट विल टेक केयर ऑफ इट प्रिपरेशन है ना अभी ये बस मिशन खत्म हो रहा है एंड वेरी सून वी आर कमिंग विद एंथे एंथे विशन फॉर यू वट यू विल गेट विद दिस एग्जाम इज हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप जेई की तैयारी करना नीट की तैयारी करना आगे पढ़ाई करना है ना इन सबकी स्कॉलरशिप मिल रही है

एग्जाम एंड सिक्स टू थर्टीन ऑफलाइन है ऑनलाइन है देखो दिक्कत भी नहीं है यू कैन गिव ऑनलाइन गिव ऑफलाइन और रजिस्ट्रेशन फ्री है इतना सब कुछ एंड विध फ्री रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बट इट इज पॉसिबल राइट मेक श्योर यू रजिस्टर फॉर दिस एग्जाम तैयारी की चिंता छोड़ दो विल टेल यू कैसे करना है ठीक है ये स्मूथ राइट सो मेक श्योर ऑल ऑफ यू रजिस्टर जो नए है कर दो जो पुराने हैं वो कर चुके होंगे आई एम एक्सपेक्टिंग नहीं किया है तो प्लीज कर दो बिकॉज तैयारी व्यारी हम करवा देंगे ठीक है डोंट वरी अबाउट दिस राइट चलो पीपल हा वेरी गुड चैतन्य यू डिड नो यू आर लर्निंग मैथ ओ सो दिस इज द व्हील देखो आई टेल यू द रूल्स लिसन लिसन पीपल पीपल अब ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो डेट इज नोवर फॉर एन थे ओके सो दिस इज द व्हील नाउ क्या है ना देर आर नंबर रिटर्न Each number has a hidden question which I also don't know what question, which number, right? So we'll spin the wheel and wherever it lands, we'll get a surprise question inside that. We'll do six. Hum this wheel ko hai? six times. We'll, we'll rotate this wheel, okay? the answer is what? Yes. Now ah. focus, focus, focus. Hai? Six times we'll spin the wheel, okay?

Oh, three seven four two. Seven. <laughs> nice, very good, very good. Okay, let's let's rotate the wheel and see what number comes. Okay, let's see. Oh 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 oh. Four. Who said four? Four? Who? Bitcha ka... <laughs> BTS had because seven now. <laughs>

नहीं नहीं ऑयल लगाते हैं ताकि बाल सेट हो सके है ना हमने तो बाल ही काट दिए इसलिए चक्कर ही खत्म तेल लगाने का ठीक है दैट्स कम कमर पीपल क्वेश्चन नंबर फोर ओ नोटिस इट्स इट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वॉट इफ ब्लिंकिंग ऑफ आइज इज यूज टू मेजर टाइम समझ रहे हो व्हाट इज द क्वेश्चन राइट व्ट इज द क्वेश्चन इफ ब्लिंकिंग ऑफ आइज इज अजरमेंट यूनिट ऑफ टाइम क्या दिक्कत होगा कैन यू थिंक क्या दिक्कत होगा इफ लेट से योर योर छोटा भाई बहन आस्क यू भैया दीदी क्या दिक्कत होगा मैं आंख के ब्लिंकिंग को ले लू ऐसे मेजरमेंट ऑफ टाइम आखिर राइट इट विल नॉट बी यूनिफॉर्म ओके चलो लेट्स सी, व्हाट इज ब्लिंकिंग ऑफ आईज़ यूज टू मेजर टाइम अच्छा एक 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 वियर्ड सिनेरियो बताता हूं मैं योर यंगर योर यंगर ब्रदर सिस्टर आई टेल यू वन वन सिनेरियो, व्हाट इज योर स्कूल एंट्री टाइम कैन समवन टेल मी व्हाट इज योर स्कूल एंट्री टाइम एट सेवन एट नाइन सेवन एट नाइन सेवन है ना एट सेवन थर्टी एट पता है very, very, very है आई यू वन वन वेरी 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 अजीब सा ना <laughs> सुनो. क्या, रीजन दोगे? तुम पता है? क्या दोगे जो बंदा लेट आएगा सर मेरा टाइम स्लो चलता है क्यों मेरी आंखें कम झपकती हैं राइट दैट इज वन आंसर एंड द पर्सन हु कम्स फास्ट हिल बी लाइक सर

स्कूल में बच्चे कुछ नए नए बहाने लेके आएंगे मेरा स्लो चलता है राइट <laughs> right? बहुत सारे टाइम हो जाएंगे ट्रू भाई वॉट डू यू नीड इफ यू वॉन्ट टू मेक समथिंग अ यूनिट ऑफ टाइम और लाइक अ रेफरेंस फॉर टाइम यू वॉन्ट इट टू बी पीरियॉडिक आंख का ब्लिंकिंग पीरियॉडिक है सर ब्लिंक तो करते हैं हम इक्वल टाइम में करते हैं नहीं राइट right? <laughs>

एटी सेवन लाइक तो एट्टी सेवन तो होंगे ना भाई <laughs> बहाना मिल गया सो <laughs> so, अब इसीलिए हमको बनानी पड़ी क्लॉक्स ताकि बच्चे ऐसे बहाने ना मारे राइट सो दैट चिल्ड्रन शुड नॉट कम बैक विद सच एक्सक्यूज स्लो चलता है ऐसा नहीं होगा क्यों क्योंकि देखिए बेटा आपके हाथ पे घड़ी है आपको साढ़े सात पे आना है मतलब साढ़े सात पे आना है अगर नहीं आए नाउ वट इज आई डोंट थिंक यू गाइज गेट दैट वेन स्मॉल नो एंड वेन वी वर लेट हमको पता क्या होता था

वही बच्चे नहीं यार। I was a very, very <laughs> बहुत डरपोक बच्चा था मैं स्कूल में। ऐसी बात नहीं चुपचाप सन्टी खा लेते थे हमारा तो बहुत पड़ी है लेट कम होता था अच्छा they do that for you also. हाँ वी यू टू रन विद बैग्स इन द ग्राउंड इन द सन है ना धूप में से भगाते थे और फिर हमको डर ये लगता था वो पतली सी डंडी लेके आते थे कई बार ना हमारे पीटीआई टीचर हाँ भाई कौन कौन लेट है इधर आओ ट So this used to happen. <laughs> so, that's why. Okay, enjoyed the first question? Oh, hey, Kesia. Right? Enjoyed the first question? Chalo, agla question. Mania, yes. Very good. Badiya. Agla, agla kya chahiye? Agla number Let's see. Six, seven. Hey, Santana. Correct. You're right. <laughs> चलो ऑल राइट ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है अगला क्वेश्चन लाइक कर दो भाई सबके साथ फटाफट सेवन बहुत चाहिए भाई लोगों को है एवरीबॉडी वांट सेवन इज लाइक अ फेवरेट नंबर लेट्स सी लेट्स सी आई एम नॉट श्योर आई एम नॉट श्योर थ्री टू वन गो क्या आएगा ओ ओ वाह ये सेवन वाले आई थिंक ऑल द सेवन नंबर पीपल आर वेरी हैप्पी बिकॉज सेवन तो इतना डिमांड में है ना दिस सेवन नंबर इज सो मच डिमांड आई कैन सी यस हाँ चलो ठीक है देखते हैं नंबर सेवन नंबर सेवन अब लेट्स सी इफ दिस सेवन नंबर इज लकी और नॉट व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज बिहाइंड सेवन आई डोंट नो अब पता नहीं क्या है इट्स इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यार ऑल ट्रांसपेरेंट थिंग्स बिकम ओपेक क्या वॉट विल है सारे ट्रांसपेरेंट चीजें ओपेक हो जाएंगे तो क्या होगा वॉट विल है ना नाइज आदित्य आई विल नॉट बी एबल टू सी आई बी लाइक ऐसे ऐसे लगता है बर्फ पड़ने वाली है सो या राइट बिकम वेस्ट वी विल बी ब्लाइंड फोल्ड यस इट्स अ गुड थिंग और आई ऑल्सो हैज लेंस इट्स ट्रांसपेरेंट इट विल बिकम ओपे कुछ नहीं दिखेगा वी ऑल विल बिकम ब्लाइंड यस यूर राइट है ना नॉट एबल टू सी एनीथिंग फ्रॉम द विंडो नो ग्लासेज नो क्लॉक्स नो यूज ऑफ विंडोज हाँ, मैं आपको नहीं देख पाऊंगा आप मेरे को नहीं देख पाओगे अरे नो हेयर स्टाइलिंग देखो हेयर स्टाइलिंग तो हम वैसे ही नहीं करते नहानेगा तैयार होने का चुपचाप आनेगा शीशा देखने का ही नहीं क्यों देख रहा है शीशा यस <laughs> yes. लेकिन हाँ दिस इज समथिंग विच आई जस्ट रियलाइज पता है क्या आर आई ऑल्सो हैज लेंस इट इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट अगर सारे ट्रांसपेरेंट चीजें ओपेक हो जाएंगी और आई लेंस विल ऑल्सो बी ओपेक अब, अब, अब गॉन इज आर ऑफ नो यूज क्या करेंगे फिर जब लेंस ही नहीं है है ना राइट हा नो राइट तो इट्स 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 अ गुड क्वेश्चन आई वुड से कि भाई कैमरास यू कैंट यूज टेलीविजन एंड एवरीथिंग यू कैंट सी एक और चीज है एक और चीज है एक बार बताओ विल <laughs> विल देयर बी लाइफ ऑन अर्थ पता है क्यों एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है ये इफ एवरीथिंग इज ओपेक हम क्या बोलते हैं अर्थ पे लाइफ क्यों है बिकॉज सन लाइट कम्स है ना हा वेरी गुड नाइस कैच अरे अर्थ पे पता है लाइफ क्यों है बिकॉज सन लाइट कम्स है ना एक बहुत बड़ा रीजन है द लाइफ इज देयर ऑन अर्थ बिकॉज सन लाइट रीच इज ओवर एयर है ना राइट right? है ना एयर विल ऑल्सो बिकम ओपेक ये है हमारा एटमॉस्फेयर अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा राइट वाई बिकॉज एयर द इज़ ट्रांसपेरेंट, यही ओपेक है नो लाइफ कैन यू थिंक इफ ऑल द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बिकम ओपेक नो लाइफ ऑन अर्थ करेक्ट यस एयर एंड वॉटर नो लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज नो सनलाइट अर्थ इज डार्क परमानेंट डार्क खत्म यस दैट्स सो है ना द इंपॉर्टेंट थिंग इज वी शुड बी वेरी क्लियर विद ट्रांसपेरेंट क्या होता है ट्रांसल्यूशन क्या होता है ओपेक क्या होता है है ना देखो भाई ट्रांसपेरेंट होता है अलाउ लाइट टू पास उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट फॉर एग्जाम्पल माई ग्लासेज दिस एयर बिटवीन यू एंड मी है ना दिस इज ऑल ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट ट्रांसल्यूशन बोले तो क्या बताऊं मैं इज दिस ट्रांसल्यूसेंट ये ट्रांसल्यूसेंट तो नहीं है देखो थोड़ा सा है है ना स्लाइटली स्लाइटली मेरे हाथ का ना इंप्रेशन दिख रहा है हल्का सा। लेकिन प्लास्टिक बटर पेपर है ना बटर पेपर इंड ऑल दीज आर ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट जिनसे हल्का हल्का दिखता है धुंधला धुंधला है ना टिश्यू पेपर यस ऑयल पेपर है ना दो ओपेक तो भाई सब कुछ ओपेक ही है है है. ना? नहीं नहीं भाई जिंदा रहना जरूरी से से इतना मत डर जाए. चलो क्वेश्चन नंबर सेवन बॉज इंटरेस्टिंग मेरे को लग रहा है हमारी टीम में भी कोई बीटीएस फैन है शायद इसको बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिला यस क्लास विल नॉट अपियर थ्रू आउट स्क्रीन आई एम नॉट ट्रांसपेरेंट आई एम ओपेक नेक्स्ट नंबर क्या बोलते हो सब ट्रांसपेरेंट हो तो इट्स अ गुड थिंग सब ट्रांसपेरेंट हो तो सब ट्रांसपेरेंट है आदमी ही नहीं दिख रहा इफ आई वॉज ट्रांसपेरेंट सी यू कांट सी द एयर बिटवीन इफ आई बिकम ट्रांसपेरेंट आई विल बी इनविजिबल है ना नेक्स्ट अच्छा नेक्स्ट आ रहा है क्या थ्री नाइन एट वन आ, ये भी अच्छा क्वेश्चन था है ना सेड इफ एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट एवरीथिंग इज इनविजिबल ओके इलेवन आ गया भाई इलेवन 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 सी इलेवन पे क्या है इट्स अ वियर्ड क्वेश्चन नो हमेशा व्हील्स राउंड ही होते हैं एवरी टाइम इट इज सर्कुलर एग्जाम्स विल बी इनविजिबल व्हील्स आर ऑलवेज राउंड है ना वॉट इफ व्हील्स वर स्क्वेर नॉट राउंड लेट्स से है ना हा मिस्टर इंडिया यस, नो ट्रांसपोर्ट दिस वुड बी अस इफ देर इज अ स्क्र व्हील है प्रॉब्लम स्क्वेर व्हील इट विल यूजलेस भाई व्हील का मतलब ही है वाई डिड वी इन्वेंट व्हील्स टू मेक आर जॉब इजियर इफ वी इन्वेंट स्क्वेयर व्हील्स वी आर एक्चुअली इंक्रीजिंग आर लोड ना है ना सो तब चमका दिमाग में ओहो व्हील ऑलवेज शुड बी सर्कुलर अब पता है कैसे आया हाउ मेनी इफ यू वॉच दैट सेशन कितने लोगों ने वो सेशन देखा है इजिप्ट वाला हाउ द पिरामिड्स क्रिएटेड कितने लोगों ने देखा है यस yes. <laughs> ना यू हैशन नो डी यू रिमेंबर हाउ एंशंट इजिप्ट में हाउ दोतना भारी स्टोन था वो है ना

शन टू हील हा यस महेश स्क्स square wheel वाले करेक्ट <laughs> देखा अरे कई बार पता क्या होता है बिना पढ़े हमारे आई वुड से गांव-गांव में जाओ अगर इफ यू इन टू विलेजेस साइंस थोड़ी पढ़ी है सबने लेकिन फिर भी उनको बहुत चीजें पता होती हैं जो हम सोच नहीं पाते हाउ विद एक्सपीरियंस राइट सो दे ऑल्सो न्यू किसी चीज को रोल करेंगे तो फ्रिक्शन नॉट फ्रिक्शन तो आसान है एंड स्लाइडिंग इज डिफिकल्ट नाउ वी नो द कॉन्सेप्ट क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है राइट right? है ना यस सो पीपल यू ऑल नो अबाउट फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब मैं इस टेबल को धक्का दू ऐसे ऐसे आह नहीं मूव हो रहा है क्यों मैं तो मैं तो जान लगा रहा हूं आई एम पुशिंग इट बट इट इज नॉट मूविंग मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है

है ना उसको खींचो उठाओ ऐसे करो वैसे करो वेरा वेरी इंपॉर्टेंट द व्हील्स आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट यस शाइनी व्हील वॉट इज काइनेटिक हा आदित्य सी स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ना वी ऑल्सो कॉल एज काइनेटिक फ्रिक्शन राइट सो सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक uh, सबसे कम होता है रोलिंग स्लाइडिंग वाला बीच में होता है राइट right? हाँ <laughs> चलो अगला क्वेश्चन अगला नंबर क्या चूज किया जाए वट डू से नेक्स्ट नंबर पता नहीं देखो इट्स ऑन लक मुझे नहीं पता अब देखते हैं हमने कौन कौन से कर लिए आई थिंक वी हैव कवर्ड फोर अब क्या पता दोबारा आ जाए लेट्स सी चलो ठीक है थ्री टू वन गो किस है ओहो oh नाइस नंबर टेन नंबर ओहो अभिषेक का नंबर आ गया चलो नंबर टेन पे देखते हैं क्या है नंबर टेन वी यूज रबर बैंड्स टू मेजर इट्स इज वेरी इजी आर वॉट इफ क्वेश्चन पता क्या पूछ रहा है वॉट इफ वॉट इफ वी यूज रबर बैंड्स टू मेजर लेंथ रबर बैंड अगर इमेजिन इमेजिन यू गो टू अट टेलर वैसे तो आजकल तो आप रेडीमेड खरीदते हैं एवरीबडी बाइज रेडीमेड शर्ट एंड पैंट वो जाते हैं सूट सिलवाने शर्ट सिल्ड टू मेजर योर लेंथ एलेक्स हा है ना फॉर लेविन वट है आपका पहला हाथ है इतना आपका दूसरा हाथ है इतना आपकी पहला आपका पहला पैर है इतना आपका दूसरा पैर है इतना राइट right? है ना ऐसा पता क्या होगा एक वन वन ऑफ द वन ऑफ योर शर्ट हैंड विल बी दिस मच वन विल बी दिस मच शर्ट का आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा यस <laughs> yes, है ना मेजरमेंट एक्यूरेट भाई द प्रॉब्लम इज ही यूज़ अ मेजरिंग टेप मेजरिंग टेप इज नॉट स्ट्रेची प्रॉब्लम इज द लेंथ यू आर ट्राइंग टू मेजर यू नीड समथिंग जो ऐसे स्ट्रेच ना हो राइट इफ यू आर यूजिंग अ थ्रेड बिकॉज थ्रेड एंड स्केल ऑल्सो वर्क बट द थिंग इज थ्रेड शुड नॉट बी स्ट्रेची अगर वो खिंच गया मेजरमेंट गड़बड़ हो गया राइट right? है ना यस रबर बैंड से तो बहुत चोट लगती है भाई यस <laughs> yes, है ना हम टेलर को पागल बोलते हैं हाउ टू मेजर अ अर्व लाइन सर वी कैन यूज अ थ्रेड बट इंपॉर्टेंट थिंग इज थ्रेड नॉन स्ट्रेचेबल होना चाहिए यू कैन नॉट टेक अ स्ट्रेचेबल थ्रेड फिर तो काम खराब हो गया भाई गुड़ गोबर हो गया सब कुछ राइट यस दैट्स वाई करेक्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू कैन यूज अ करव लाइन और अ अ थ्रेड टू मेजर कर्व लाइन देन यू कैन टेक द थ्रेड एंड यू कैन पुट इट ऑन द स्केल एंड सी हाउ मच लेंथ इज देयर राइट येस एंड प्रिवेंट पैरालैक्स पैरालैक्स इज अड सेकेंड प्रॉब्लम फर्स्ट इज दो स्ट्रेची थिंग्स राइट हाँ, हाँ अरे राज देख लिया मैंने ये यस कूल गेट हर्ड बाइट डायनेमिक फ्रिक्शन वी से काइनेटिक में लेकिन ना 11, 12th की साइड इट्स इट्स विल हायर आल्सो सो फॉर नाउ थिंक ऑफ ओनली स्लाइड सॉरी स्टैटिक स्लाइडिंग और काइनेटिक एंड रोलिंग डायनेमिक पे डायनेमिक्स व्हाट काइनेटिक फ्रिक्शन को ही डायनेमिक फ्रिक्शन बोल देते हैं राइट हेलो अद्रिका चलो What is next? What is next? Let's see. If you want to measure a big curved line, bring a long thread. <laughs> Let's see. 3, 2, 1. Oh, This time we have number 1. Oh, number 1. Number 1 Number 1. What is number 1? There is no speedometer to measure speed. Ah. फिर क्या होता ऐश्वर्य मैम दूसरे सेशन में ऐश्वर्य हे पद्मा पदमा जा गॉन इफ देर इज नो स्पीडोमीटर क्या प्रॉब्लम होगा सर हमको वॉट इज द प्रॉब्लम विद दिस एक्सीडेंट क्यों पुलिस कैन नॉट टेक फीस फ्रॉम अस ऑल राइट सी कार मूव्स एंड वेन डू वी आप स्पीडोमीटर कब देखते हो वेन डू यू सी स्पीडोमीटर राइट यू ओनली सी वेन यू हैव टू सी कितने स्पीड से चल रहे अब भी इंस्टेंटली राइट दैट इज हाउ यू यूज स्पीडोमीटर एंड इट फील्स लाइक अ गुड थिंग सर स्पीडोमीटर ये नहीं होगा स्पीड लिमिट कैसे बताएंगे मतलब लाइफ मस्त कोई फर्क ही नहीं ओवर स्पीडिंग का चार्ज नहीं है ना करेक्ट है ना नो no चलान नो <laughs> no चलान कटना राइट सो बट स्पीडोमीटर नहीं है अब लेट्स से एलेक्स देखो एलेक्स तो हर जगह है है ना सो एलेक्स के पापा बोले एलेक्स फादर सेड टेक आउट द नोट एंड कैलकुलेट आवर स्पीड इफ इफ लेट्स से वी वांटेड टू कैलकुलेट स्पीड हमको पता क्या करना पड़ेगा आई हैव टू स्टार्ट माई स्टार्टिंग टाइमिंग और कितना हम डिस्टेंस चलाए राइट right? वेन एवर यू हैव टू टेल द स्पीड कि हम कितना स्पीड से चले यू हैव टू कैलकुलेटेड बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम राइट है ना और बस सो नोटपैड लेके चलना पड़ेगा है ना सो स्पीड इज वॉट रेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी लेकिन ना एक दिक्कत है मेरे को एक बात बताओ कैन वी डू इट लाइक दिस नोट डिस्टेंस और टाइम अगर तुमको दे दिया इज इट इक्न टू स्पीडोमीटर कोई बताएगा कोई बताएगा अगर अगर आपको डिस्टेंस और टाइम दे दिया गया इज इट इक्विवेलेंट टू स्पीडोमीटर नहीं क्यों वाई क्यों भाई एक वर्ड है बस एक वर्ड बोल दे कोई मैं वेट कर रहा हूं स्पीड कांस्टेंट नहीं होती हां यस यू आर राइट हा आई गॉट अ वर्ड एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेरी गुड इट विल बी एवरेज स्पीड बहुत अच्छे यह बहुत अच्छा ही वो है देखो यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड नाउ दीड क्या होता है विदपैड वट वॉन्ट डिड यू फाइंड आपने क्या निकाला सर मैंने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन यू एक्चुअली फाउंड द एवरेज स्पीड टिल नाउ स्पीडोमीटर क्या बताता है स्पीडोमीटर इज टेलिंग यू इंस्टेंटेनियस अब भी का स्पीड वो तो हम नहीं पता कर सकते है ऐसे है ना इट टेल्स यू इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ वहीकल राइट ओडोमीटर बताता है डिस्टेंस राइट हा आस्था फ्री है फीस की जरूरत ही नहीं दिस इज अटफॉर्म यू कैन कम यू कैन एंजॉय यू कैन लर्न बस राइट करेक्ट इंपॉर्टेंट थिंग डिस्टेंस अपॉन टाइम से यू कैन फाइंड एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस यू कैन नॉट फाइंड दैट इज वाई स्पीडोमीटर अगर नहीं होगा आप इंस्टेंटियस नहीं बता सकते हो राइट यू सेट दर्ड एवरेज करेक्ट यू से वेरी गुड चलो ठीक है चलो ओनली फिफ्टी फाइव ओके बट इज देयर मेक श्योर यू लाइक कम ऑन गाइस मजा आ रहा है मेक श्योर यू प्रेस द लाइक बटन 33 थ्री नहीं यार 33 नहीं लेट्स सी कम ऑन 3 2 1 किस पे लैंड करेगा ओ देखो दिस इज द सिक्स्थ वन बेसिकली नंबर 8 हमने कर लिए कितने एक दो तीन चार पांच ये लास्ट है वी मेजर द हॉट मिल्क यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होगा वट एपन इट विल ब्रेक यस सी क्लिनिकल थर्मोमीटर में इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट हैज अ लिमिट राइट है ना इट हैज अ लिमिट थर्टी फाइव टू फोर्टी टू बट हॉट मिल्क का ज्यादा होता है मर्कर इन साइड द क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या करेगा ट्राई टू एक्सपैंड और ये क्या हो जाएगा ये ब्रेक हो सकता है राइट यस, वेरी गुड यू आंसर फर्स्ट वेरी नाइस वेरी नाइस वाई सो दिस अबाउट मर्क थर्मोमीटर फाइन क्लिनिकल में इट इज दर इज अ पॉसिबिलिटी इट विल ब्रेक दैट्स वाई वी नीड कौन सा विच थर्मोमीटर डू वी नीड हॉटमिल्क के लिए न्यूक्लियर एक्सप्लोर हाउड स्पीडोमीटर हाउस The tells you how fast your tire is moving right now. Uh, sensors there is a concept, but right now I can't go into it. Laboratory thermometer, very good, right? Oh. So we are done with six. Rest of the questions are all logged. These are all logged questions. Cutting edge. ुडन कुकिंग यूटेंसिल्स चिमनीज आर प्रोवाइडेड एट फ्लोर ऑफ फैक्ट्री वी यूज हैंड्स पैंट टू मेजर लेंथ बोनस क्वेश्चन चाहिए किसी को एनी वांट्स अ बोनस क्वेश्चन किसी को बोनस क्वेश्चन चाहिए एक लास्ट क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन यस बोनस क्वेश्चन करें चलो ठीक है एक बोनस क्वेश्चन करते हैं देखते हैं किस पे लैंड करता है मेरे को नहीं पता किस पे आएगा अब क्वेश्चन यू नो कौन से क्वेश्चन थे हमारे पास अब देखते हैं कौन से क्वेश्चन पे आ रहा है नंबर नंबर पे वी हैव ओ अगर सारे फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते तो दिस इज दिस इज अ वे क्वेश्चन नो है ना इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन इफ ऑल द फोर्सेस वर कॉन्टेक्ट फोर्सेस मतलब मतलब ग्रेविटी नहीं होगी <laughs> सिमरन में बायो का प्रू हूं अगर मेरे बगल में कोई बायो टीचर खड़ा है तो हा नाइस वी कांट स्टैंड सी वी कैन स्टैंड मैं बताता हूं क्या प्रॉब्लम है हम खड़े हैं जमीन पे ग्रेविटी है अगर मैं जंप कर गया ग्रेविटी खत्म एंड यू विल बी गोइंग इन टू स्पेस ऐसे 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 राइट सो दैट्स वाई ग्रेविटी विल ओनली एक्ट अंटिल अनलेस देर इज अ अंटैक्ट अदरवाइज ग्रेविटी इज नॉट देर हा करेक्ट न्यूटन न्यूटन के सर पे एप्पल नहीं गिरता सही बात है है ना करेक्ट हा व्हील्स की जरूरत नहीं पड़ती सो दैट इज अ प्रॉब्लम इफ ऑल द फोर्सेस वर ओनली कांटेक्ट मतलब ग्रेविटेशन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दे विल ऑल एक्ट ओनली इफ देर इज अ कांटेक्ट ग्रेविटी तो भाई जरूरी है हम हम अगर जंप किए आप अर्थ से गए दिए टाटा बाय बाय है ना ए दिशा राइट <laughs> सो right? so, कौन कौन से फोर्स कॉन्टेक्ट फोर्स है देखो कॉन्टैक्ट में क्या होता है मसल वी हैव टू अप्लाई मस्क्युलर फोर्स बाय ओनली टचिंग यू कैन नॉट अप्लाई मस्क्यलर फोर्स विदाउट टचिंग भाई ऐसे थोड़ी कर सकते हो गए आपने ऐसे हाथ किया और दरवाजा खुल गया एंड इफ यू आर वंडरिंग कि वो मॉल के अंदर दरवाजा ऐसे करने से क्यों खुलता है वहां सेंसर लगे होते हैं ऐसा नहीं है कि ऐसे करने से खुल जाता है राइट करेक्ट फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शन ओनली एक्ट वेन देर इज टच अदरवाइज देर इज नो फ्रिक्शन राइट यस दिशा मम्मी का फ्लाइंग चप्पल हाँ ये भी है फ्लाइंग चप्पल क्या है कि अगर फ्लाई किया बस वो फ्लाई ही करेगा फिर फिर नीचे नहीं आएगा यस राइट नॉन कॉन्टेक्ट में आते हैं ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक ये सब होंगे ही नहीं राइट इंटरेस्टिंग दिस वाज आल्सो इंटरेस्टिंग है ना मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग पता क्या लगा ऐसे खड़े खड़े हो खड़े हो खड़े हो और ऐसे ऐसे कुछ खेल रहे थे अचानक से जंप किया एंड यू आर गॉन यू वॉन्ट कम बैक राइट दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग आई सेंसर्स आर लॉट ऑफ दिस नॉट अ वन सेंसर देर आर मेनी सेंसर राइट फ्लाई फॉर एवर सो ऑल राइट पीपल सी दिस वॉज अ फन सेशन बट द इंटेंट वॉज टू मेक यू रिवाइज ऑल दीज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना मजा आया होगा लेकिन सीखने भी तो मिला होगा राइट right? ये सब हुआ है अगर मेक श्योर यू लाइक इट राइट नाउ है ना यस yes, हाँ भाई क्लास हो गया आई नो दिशा थोड़ा सा ये एंडिंग था बट हाँ दिस वॉज अ फन क्लास यस सो पीपल पीपल मेक श्योर मेक श्योर यू हैव लर्न है ना सीखा है ये अच्छी बात है मजे मजे में सीखा है ये और अच्छी बात है अब मेक श्योर यू प्रेस द लाइक बटन टीम को मोटिवेशन चाहिए भाई उनको लगना चाहिए कि हमने अच्छा काम किया दे हैव पुट सो मच एफर्ट ऑन क्रिएटिंग दिस दिस सेशन इन आइडिएशन मेक श्योर यू गिव मोटिवेशन लाइक दबाओ है ना यस अनदर क्वेश्चन इज होमवर्क अच्छा अनदर क्वेश्चन होमवर्क चाहिए क्या चलो ठीक है वन होमवर्क फॉर यू बाकी जो है ना ये लॉग्ड वाले जैसे कि ये 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 चलो टेक अ स्क्रीनशॉट टेक अ स्क्रीनशॉट और इसका ना इन में से किसी का अपने मन से किसी का भी आंसर कॉमेंट सेक्शन में देना वॉट इफ ठीक है कोई सा भी कर लो ले लो ले जो जो है, जो लॉक हमने डिस्कस नहीं किए उनमें से किसी का भी आंसर आप सेक्शन में दे सकते हो ठीक है ना यस चलो थैंक यू थैंक यून थैंक यू एवरीवान सी यू सून एंड टेक केयर हाँ हाँ कॉमेंट देखे भाई मैंने बिल्कुल Uh, you had you had a lot of comments. Bow shine word. Chalo, see everyone. Take care and keep learning. Bye bye.